हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती दोस्तों आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में आकांक्षी फिलोसफी की यहाँ भर्ती निकाली गई थी। अब समस्त जिलों में इसका जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। कौन कौन से जिलों में भर्ती होनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह का सिलेक्शन होने वाला है, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के स्क्रिप्ट अपना करें, वीडियो पूरा देखें। आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहता है, चैनल पर आप लोग नए हैं चैनल को लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की इस तरह की इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको तुरंत यहाँ से मिलती है। चलिए हम देख लेते हैं पहले कौन कौन से जिले में वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। फिर हम पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं किस तरह आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक एक जिले की। देखिए पहला आपका रहेगा, और ये पता आपको विकासखंड स्तर पर आपको रहने वाली, तहसील स्तर पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात आपके लिए होने वाली है कि आप लोगों को इनकी जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर आवेदन आपको भेजना पड़ेगा। यानी आपको कोई पोस्ट ऑफिस नहीं करना, पोस्ट स्पीच के द्वारा, या आपको और कुछ नहीं करना ऑनलाइन। आप लोगों को ई मेल आई डी दी है, इस ई मेल आई डी पर आप लोगों को भेज देना आवेदन, ठीक है। आवेदन का प्रूफ ये वाला रहेगा मेरे पास, ये मैं दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग डाउनलोड कर लें और इसी को भर के आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ लें, देखिए पहला आपको कहाँ का निकाला गया, अलीराजपुर में निकाला गया है, ठीक है। कौन कौन से ब्लॉक में, ये ब्लॉक देख रहा हूँ आपको, ये ब्लॉक दो ब्लॉक में निकाला गया, अलीराजपुर में एक एक पोस्ट आने वाली। आप लोगों को आवेदन इनकी ई मेल आई डी भेज देना है। दूसरा निकाला गया है आपका अनूपपुर का, ठीक है, इस ब्लॉक में एक पोस्ट निकाली गई है। तीसरा आपका भिंड ब्लॉक में निकाला गया है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भेजना है एक पोस्ट। नेक्स्ट है आपका दमोह में निकाला गया है, यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धार डिस्ट्रिक्ट में, धार डिस्ट्रिक्ट में एक रहेगा ब्लॉक आपका, एक पोस्ट निकाली गई, यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका डिंडौरी में, आपके तीन ब्लॉक रहेंगे, ठीक है। ये तीन ब्लॉक हैं, यहाँ पर तीन में भर्ती होनी है, एक एक पोस्ट यहाँ पर निकाल गई, ठीक है। तीनों आवेदक को यहीं पर आपको भेजना पड़ेगा इस मेल आई डी, ठीक है। नेक्स्ट गुना में एक रहेगा आप लोगों का, और इसी में आपको भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट झाबुआ में आपको रहेंगे एक दो तीन चार, ठीक है, चार ब्लॉक में निकाला गया झाबुआ के अंतर्गत। तो झाबुआ वाले जो आवेदक हैं वो इस आई डी भेजना है। फिर कटनी वाले जो आवेदक रहेंगे उनको इस आई डी पर भेजना है फॉर्म। फिर आप जाओ खंडवा, खंडवा में भी एक निकाला गया है, खरगोन में दो निकाले गए हैं दोस्तों, दो ब्लॉक में आपकी भर्ती होनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो एक एक पद है। नेक्स्ट आपका मुरैना में भी एक आपका एक पद निकाला गया है, निमाड़ी में भी आपका एक पद रहने वाला है, यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। पन्ना में भी एक पद यहाँ भेजना पड़ेगा, राजगढ़ में आपका एक पद यहाँ भेजना पड़ेगा, रतलाम में आपका एक पद यहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है। सतना में दोस्तों दो निकाले गए हैं, ठीक है, दो ब्लॉक में निकाले गए हैं, और आप दोनों को आवेदक को यहीं पर भेजना है। फिर आ जाओ आपका शिवपुर में, आपके तीन निकाले गए हैं, उनको यहीं भेजना है, और आपका टीकमगढ़ में एक रहेगा, और आपका उमरिया में एक रहेगा। देखो ये जिलों के नाम दिए जिन जिलों में इनकी भर्ती होनी, ठीक है। अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कैसे आपकी भर्ती होनी है, पूरी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। बाकी फॉर्मेट बता दूंगा, देखो ये रहेगा दोस्तों फॉर्मेट, ये आप लोगों का फॉर्मेट है पूरा आपका। देखो यहाँ पे बताऊँ क्या क्या आपको बनना है, आपको गलती नहीं करनी दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका लिखना है ब्लॉक का नाम, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर आपका रिसेंट फोटो जो अभी का खिंचा हो, ठीक है, उस पर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ई मेल आई डी, आपका मैरिट अनमेरिट, शादी हुई नहीं हुई, ठीक है, आपका करंट एड्रेस, आपका वार्ड नंबर, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ठीक है, ये आपको सही डालना है। यहाँ पे आपकी एजुकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अदर क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, वो पूरी फिल करना है। और यहाँ पे आपका कोई कंप्यूटर संबंधित इन्फॉर्मेशन हो, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, वो आपको डालना है, ठीक है, एक्सपीरियंस वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग पूरा भर के और वो भेज देना है उसी ईमेल आई डी, ठीक है। चलिए हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर, अब देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ डिटेल में पढ़ने के लिए। देखिए आपको जो है नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के स्तर पर इनमें भर्ती आपकी होनी है, ठीक है ना, इन गतिविधियों में। और अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास स्नातक आप लोगों ने हो, पोस्ट ग्रेजुएट, ये अनिवार्य है, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे पहले। दूसरा आपकी जो एज है 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका काम आवेदक को डाटा विश्लेषण और प्रस्तुति कौशल में आपको निपुण होना चाहिए, ये उन्होंने बता दिया। दूसरा आवेदक को सोशल मीडिया के उपयोग आना चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सबको आना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आवेदक को विकास करने के साथ का आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, इंटर्नशिप के रूप में, वहाँ पर अनुभव के साथ, ठीक है, दक्षिण जाइए आपने कहीं काम किया हो या नॉलेज हो, ठीक है। और संबंधित आवेदक को जिस प्रकार खंड में ये भर्ती निकाली गई है आपको उसके स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, सभी का बोलना लिखना ये आपको आना चाहिए, ठीक है ये। और उच्च जो जिसका शिक्षा जिसके पास होगी तो उसको यहाँ पर प्राथमिकता मिलने वाली, ठीक है। तो ये तो मैंने, अब आपका जो चयन है वो कैसे किया जाएगा दोस्तों वो देख लो। तो देखिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगी, ठीक है, तो कम से कम 50% मार्क आपको होना चाहिए उसमें, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, और उसके 50 अंक आपको मिलने वाले हैं स्नातक के, ठीक है, यहाँ पर स्नातक के। फिर नेक्स्ट से आपके पास कंप्यूटर का
डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसके मिलने वाले 10 अंक, ठीक है ना। देखिए डिग्री होगी तो 10 मिलेंगे, डिप्लोमा होगा तो 7 मिलेंगे, और कोई आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है ना, मान लो सर्टिफिकेट हुआ तो उसके आपको मिलने वाले हैं 5 अंक, ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसी आधार पर आपकी बनेगी मेरिट, ठीक है। फिर आपने परियोजना प्रबंधन कौशल संबंधित कोर्स या अनुकार्य अनुभव हो आपके पास शासन द्वारा मान्यता प्राप्त, तो उसके अंक आपको 6 माह तक का होगा तो 1 अंक, और 6 से 1 वर्ष का होगा 3 अंक मिलेंगे, और 1 से 3 वर्ष का होगा तो 5 अंक, ठीक है, यदि जिनके पास होगा तो। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखोगे किसी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से आपने इंटर्नशिप का अनुभव प्रमाण पत्र तो उसके मिलेंगे आपको 10 अंक, ठीक है ना। फिर भी माह के हिसाब से भाई 6 माह से 1 वर्ष के बीच है तो 3 अंक, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो उसके अंक मिलने वाले 10 से लेगा, ठीक है। अब देखो फायदा इसमें क्या रहने वाला है, यदि आप मान लो मैं हूँ विदिशा जिले से, तो यदि मैं उसी जिले में फॉर्म भरता हूँ तो मुझे 10 अंक मिलेंगे, और मैं अन्य जिले में फॉर्म भरता हूँ तो मुझे उसमें मिलेंगे 5 अंक। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप दूसरे जिले में भरोगे 5 अंक, उसी जिले के आप आवेदन करोगे तो आपको 10 अंक का फायदा ही होने वाला, ठीक है। इसके पश्चात आपको लिया जाएगा 15 अंकों का इंटरव्यू, ठीक है ना, आपको लिया जाना 15 अंकों इंटरव्यू। तो इस तरह आपकी जो मेरिट बनने वाली वो रहेगी यहाँ पर 100 की। तो ये है मेन तरीका पूरा, ठीक है ना, मेरिट बनने का। फिर यहाँ पर देखिए उन्होंने बता दिया आपको ईमेल आईडी, जो संबंधित कलेक्टर की ईमेल आईडी है उसी पे आप लोगों को आवेदन भेज देना, ठीक है। यहाँ पर कब तक भेजना है, तो 29 जनवरी तक आप लोग आवेदन यहाँ पर भेज सकते हैं समस्त जिले में, जो भी जो जिस जिले में पैकेज निकली हुई है। पर जिले जिले द्वारा चयन हेतु मापदंड की तालिका में अनुक्रम 1 से 5 में नियत मापदंड अनुसार वैधता सूची यहाँ पर तैयार की जाएगी आप लोगों की, ठीक है। आवेदकों में से मापदंड अनुसार वैधता के आधार पर 10 अभ्यर्थियों को पहले बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने बता दिया साक्षर कार्यक्रम में 7 दिवस पूर्व सूचना यहाँ पर दी जाए, आप जिन आवेदक को साक्षात्कार होगा उनको 7 दिन पहले इन्फॉर्मेशन आएगी, मेल आईडी पे मैसेज आएगा कि आपका इंटरव्यू होने वाला है इस जगह, ठीक है, ये वो बता देंगे, ठीक है। यदि आवेदक एक से अधिक जिलों में साक्षरता हेतु पात्रता हासिल करता है तथा साक्षरता की तिथि समान होती है तो संबंधित साक्षरता नियत तिथि कोई पर्वत नहीं है, यानी आप लोगों ने मान लो 2 जगह फॉर्म भरा 2 जिले में, और 2 जिलों में एक ही समय पर आपका इंटरव्यू है, तो वो परिवर्तन नहीं की जाए आपको, किसी एक जगह एक जिला आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें। और साक्षरता सहित चयन मापदंड के अनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम बड़ी सूची यहाँ पर जो सूची है वो तैयार की जाएगी, और प्रत्यक्ष सूची यानी वेटिंग लिस्ट दोस्तों वो भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो ये दोनों के लिए यहाँ पर फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो पद रहेगा दोस्तों वो रहेगा अस्थायी पद रहेगा, यानी 1 वर्ष ही रखा जाएगा, और बाद में आपका काम सही पाया जाता है तो उसको बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए और, देखिए नंबर मतलब आप एक बार इसमें अंदर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, मेरा ये कहना है। और आवेदक देखो आवेदक जिस विकास खंड हेतु आवेदन करना चाहते हैं उस विकास खंड से संबंधित जिले में कलेक्टर को जो सूची दी है उसमें से आप लोगों को भेजना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये पूरा यहाँ पर रहने वाला दोस्तों, और सभी विकास खंड की सूची ये दी हुई है, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। मानदेय आपको ये मिलेगा पर 15,000 रुपये आपको ये मिलेगा मानदेय, ठीक है। अलग अलग पद यहाँ पर दिए हुए हैं, आवेदन आपको उस ई मेल आईडी पर भेजना पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर पूरा ये, और इंटरव्यू आपको होने वाला है। तो ये दोस्तों पूरा यहाँ पर निकाला गया, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। यदि आप लोग कुछ भी कमेंट हो, इसका जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और इसका आवेदन का जो लिंक रहेगा ये आपको भर के भेजना पड़ेगा, इस ही मिल जाएगा मेरे आपको डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये आप पूरा भर के भेजना आप लोगों को। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आप चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को मेरा यही निवेदन है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। ओके दोस्तों, थैंक्स।